हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे लिस्ट ऑफ नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। दोस्तों, मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ कि ये आपको लिस्ट जो है वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके रेगुलर स्कूल एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलो देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह की जो लिस्ट है या फिर कोई प्रैक्टिस सेट है, तो ये देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलो देखते हैं वीडियो में क्या है। फर्स्ट है, मोस्ट सिंगुलर कॉमन नाउन्स चेंज टू द प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस एट द एंड। ऐसे नाउन्स है जिनके एंड में जब भी वो प्लूरल होते हैं तो उनके एंड में एस या ईएस लगता है, जैसे कि बेंच, बेंचेस, पेन, पेंस। इसमें सिर्फ एस लगा, यहां पे ईएस लगा है। नेक्स्ट है, ब्रिज, ब्रिजेस, पियानो, पियानोज, ब्रश, ब्रशेस, रूफ, रूफ्स। देखा दोस्तों आपने। नेक्स्ट है, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ चेंज टू द प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके एंड में ओ होता है, तो जब भी वो प्लूरल में चेंज होते हैं तो उनके लास्ट एंडिंग में एस लगता है, जैसे कि बाम्बू, बाम्बू में लास्ट में ओ है, बराबर है। तो ये प्लूरल होते समय इसका क्या नाउन रहेगा, बाम्बूज। नेक्स्ट है, रेशो, रेशोज, फोटो, फोटोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, रेडियो, रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज। नेक्स्ट है, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी ए एस। तो दोस्तों, इनमें जो नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंड होते समय एफ या एफ ई होते हैं, तो ऐसे नाउन्स जब भी वो प्लूरल में चेंज होते हैं तो इन उनके यहाँ पे एंड में एफ या एफ ई की वजह छोड़ के वहाँ पे वी ई एस लगता है। तो कैसा होता है देखो, अब ये है सिंगुलर प्लूरल, काफ, काल्व्स। देखा दोस्तों आपने कि एफ जो है वो यहां से निकल गया है और एफ की जगह पे क्या आया है, वी ई एस। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। नेक्स्ट है, लोफ, लोव्स, हाफ, हाल्व्स, शेल्फ, शेल्व्स, नाइफ, नाइव्स, थीफ, थीव्स, लिफ, लिव्स, वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वोल्फ, वोल्व्स। समझ में आ गया दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन और आर ई एन टू देयर सिंगुलर फॉर्म्स। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में ई एन या फिर आर ई एन ऐड करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑक्स, ऑक्सन, और चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। देखते हैं कौन से वोवेल्स हैं। यहाँ पे है डॉरमाउस, डॉरमाइस, मैन, मेन। वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू, पता है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर आप देख सकते हैं एम ए एन था, तो प्लूरल होते समय वो ई हो गया, मतलब ये दोनों वोवेल हो गए। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। देखते हैं नेक्स्ट, फुट, फिट, माउस, माइस, गूज, गीज, टूथ, टीथ, लोस, लाइस, वुमन, वुमेन। नेक्स्ट है, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ कैन हैव प्लूरल्स इन आइदर एफ एस और वी ई एस। मतलब जो नाउन्स जिनके एंड में एफ होते हैं तो वो प्लूरल्स में होते समय एफ एस होते हैं या फिर वी ई एस होते हैं, जैसे कि हूफ, हूफ्स और हूव्स, एंड स्कार्फ, स्कार्फ्स और स्कार्व्स।
ओके. नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स रिमेन अनचेंज्ड. मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. जैसे कि स्वाइन स्वाइन, शिप शिप, डियर डियर, फिश फिश, योक योक, ट्राउट ट्राउट, सलमान सलमान. ओके. नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. देखते हैं कौन से हैं. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है, हर एक वर्ड में आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है. नेक्स्ट है पासर बाय, पासर्स बाय, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन. यहाँ पे एस है, ठीक है. नेक्स्ट है सम फॉरेन वर्ड्स एंड देयर प्लूरल्स. कुछ फॉरेन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स भी अलग होते हैं, जैसे कि अमीबा अमीबा और अमीबाज. ओके. बैक्टेरियम बैक्टेरिया, अपेंडिक्स अपेंडाइसिस, बेसिस बेसिस, एक्सिस एक्सिस, फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला और फॉर्म्यूलाज, फंगस फंगी और फंगसेस, फिनोमेनन फिनोमेना. समझ में आ रहा है दोस्तों आपके. इंडेक्स इंडाइसेस और इंडेक्सेस, रेडियस रेडी. इस तरह लिखते हैं दोस्तों, आर ए डी आई आई. मीडियम मीडिया और मीडियम्स, सिलेबस सिलेबी और सिलेबसेस, ओएसिस ओएसिस, टर्मिनस टर्मिनी और टर्मिनसेस. तो देखा दोस्तों आपने, ये थे सिंगुलर और प्लूरल जिनकी लिस्ट जो हमने आपको समझाई, ये आपको हर एक एग्जाम में आपको यूजफुल होगी.